बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिसके ख्वाब की तबीर बताने जा रही हूँ वो है कि ख्वाब में अस्तगफार करना यानी मगफरत तलब करना। ख्वाब में अस्तगफार व वसअत रिज़्क़ की अलामत है। हालत नमाज के बगैर अस्तगफार करना उम्र की दराजी की तरफ दलालत करता है। बाज़ दफ़ा अस्तगफार की तबीर अल्लाह की मदद और मुसाइब से छुटकारा से की जाती है। कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को इस्तग़फ़ार करते हुए देखे तो तबीर यह कि अल्लाह ताला साहिब ख्वाब के गुनाह बख्श देंगे और इसके रिस्क में ज़्यादती होगी। अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले को माल, औलाद, खदाम, बागात, इनहार वगैरह अता फरमाएंगे। अस्तग़फ़ार से रुक जाना नफाक की अलामत है। किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि गोया इसको इस्तग़फ़ार करने का कहा जा रहा है तो दलील है ये औरत जना में मुब्तला होगी। और अगर किसी ने देखा कि वो नमाज से फरागत के बाद किबला रूह होकर इस्तग़फ़ार कर रहा है तो तबीर यह है कि इसकी दुआ कबूल होगी। और गैर किबला रूह होकर इस्तग़फ़ार करना बादे गुनाह तोबा की दलील है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ख्वाब की तबीर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ख्वाब की तबीर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।